जय माता की महाराज जी। महाराज जी, अगर हम इतनी भक्ति करते हैं कि हमें इतनी भक्ति हो चुकी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गोलोक मिलेगा या बैकुंठ धाम मिलेगा या राम भगवान का सतलोक, मतलब? इसलिए गीता में लिखा है तू कर्म करता चल, कहाँ मैं भेजूंगा वो बाद में निर्णय हो जाएगा, ये अभी से सोच के क्या करना है। और जहाँ भगवान से प्रेम कीजिए, जहाँ भेजेंगे उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाएंगे, जहाँ आपकी मर्जी है। और सभी लोग एक हैं, सोसाइटियाँ हैं, जैसे जयपुर में बहुत सारी कॉलोनियाँ होती हैं, जयपुर तो एक है, उसी प्रकार बैकुंठ के बगल में साकेत है, बगल में गौलोक धाम है, साकेत बैकुंठ गौलोक धाम के भक्त एक ही पार्क में वॉकिंग वॉकिंग करते रहते हैं। और महादेवनाथ का कौन सा लोक है? महादेवनाथ का वो भगवान शिव लोक अलग है, थोड़ी दूरी पर है। महाराज जी, जैसे ब्राह्मण जी को लोग 10-20 रुपए ऐसे कई बार दे देते हैं, तो ब्राह्मण तो सबसे पूजनीय है हम लोगों के लिए, तो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि और घर परिवार वालों को 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, लेकिन ब्राह्मण को 20 रुपए दे दिए या 50 रुपए, ऐसा क्यों होता है? यही तो लोगों की मानसिकता है ना, लोगों को तो यही लगता है कि इनको देना वो व्यर्थ मानते हैं, क्या करेंगे देख के, ऐसा लोग मानते हैं। जबकि दिया हुआ दान यथा पात्र ब्राह्मण को वो कई गुना पुण्यदायी होता है। अब ये आप जैसे समझदार लोग सब हो जाएं तो अपने आप जीवन बदल जाए, क्योंकि महाराज जी हमने हर जगह ज़्यादातर यही देखा है कि लोग 10-20 या 50 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर घर परिवार पर कोई बात आती है तो 2-2, 5-5 हज़ार रुपए भी लोगों से निकल जाते हैं। सही है, धन्यवाद महाराज जी, जय माता की, खुश रहिए। जय श्री मन नारायण। जो ये नवरात्रे आते हैं इसके अंदर घर, जैसे घर में बोलते हैं कि सुई से सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्या नहीं करनी चाहिए सिलाई वगैरह, ये नहीं कर सकते हैं नवरात्रे जब माता जी की जोत लेते हैं नवमी अष्टमी पे? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आपके यहाँ की यहाँ परंपरा हो? हमारे यहाँ तो सर, गुरु जी ये कि क्या रीजन है कि जैसे सास वगैरह से भी पूछा कि इसका क्या है, तो बस बोले कि नहीं करते, इतना ही बताते हैं, उसका रीजन वो नहीं बता पाते। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर गुरु जी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सिलाई का काम ही करती हूँ मेरा। जब काम ही करती हैं तो करने में क्या आपत्ति है, बिल्कुल करना चाहिए, कर सकते हैं गुरु। फिर तो नवरात्रि में सारे टेलर बैठे रहे। हाँ, इसलिए ये सब ऐसा नहीं है, आप अपना काम करें, भगवान का स्मरण बनाए रखें। भाई किसी समय पर शायद ऐसा हो कि नवरात्रि का दिन चल रहा हो, अष्टमी की पूजा हो रही हो और बहू बैठ गई हो सिलने के लिए, तो सास ने बोल दिया हो आज के दिन नहीं सिलते इस बहाने से कि आज ये पूजा में सम्मिलित हो जाए, तो बाकी बाद में वो परंपरा बन गई। यही है परंपरा है गुरु जी, यही कि सास बस ये कि बस नहीं करते, उन्होंने मतलब रीजन नहीं बताया, तो इसलिए रीजन है ही नहीं कुछ तो क्या बताएंगे। इसलिए कर्म तो निरंतर करना है, कर्म करते हुए भगवत चिंतन करो। जय श्री मन नारायण। महाराज जी राधे राधे, मैं विजयनगर बिनाई से आया हूँ। महाराज जी मेरे को ये पूछना आपसे कि बोलता नाम और एक जन्म नाम में क्या फर्क है, किसको माने, जन्म नाम का महत्व ज्यादा रहता है या बोलता नाम का जन्म महत्व ज्यादा रहता है? दोनों नाम अपनी अपनी जगह सही है, जैसे शादी विवाह में एक नाम से शादी नहीं बैठ रही है तो दूसरे नाम से विवाह कर लेता है व्यक्ति। जन्म का नाम ही श्रेष्ठ नाम है, फिर मुंह बोला नाम तो पिता ने माँ ने जिस नाम से बुलाया वो भी चलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, पर मैया बोलती कनवा, तो ये कनवा कोई नाम मैया का रखा हुआ है, तो मैया जो प्यार से बोले वो भी अच्छा है, माँ का नाम है, माँ का दिया हुआ। तो राशि किसको माने फिर अपन? राशि तो जन्म वाला, जो जन्म का नाम निकला है वो राशि नाम है। धन्यवाद महाराज। जय श्री मनारायण गुरु जी। हमारा प्रश्न है, हम पूजा पाठ में हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, हम क्या करें? किसमें लगता है? ऐसे मतलब टीवी गेम इन सब में लगता है बस।
मोबाइल में लगता है मन? हाँ, पढ़ाई में भी लगता है। पढ़ाई में लगता है? हाँ। तो पढ़ाई में मन लगाओ और कथा रोज सुनेंगे तो फिर मन धीरे धीरे आपका लगेगा। और हम जब भी पूजा करते हैं तो हमको अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, मतलब बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। आप रोज कथा सुना करिए। अच्छा। और जब कथा सुनेंगे तब अपने आप अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। जय श्री नारायण गुरु जी। जय श्री नारायण गुरु जी। इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैंने आप पहले यहाँ आए थे जब गुरु मंत्र लिया था, तो वो गुरु मंत्र मैं भूल गई, कल ले लेना। ठीक है, जय श्री नारायण। यहाँ देखो भाई, जो बच्चे हैं जो विशेष रूप से उनका बात कराओ।